पठानकोट में एक व्यक्ति सेल्फी लेने के चक्र में गई जान। माधोपुर के पास नहर के किनारे ले रहा था सेल्फी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पठानकोट के हल्का सुजानपुर में पड़ते माधोपुर में आज एक व्यक्ति की नहर के किनारे सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निवाड़ा से इनकी फैमिली माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गई थी कि आते वक्त यह लोग माधोपुर में एक पेट्रोल पंप पर रुके। वह वहां पर पड़ती नहर के किनारे चले गए। यहां पर जैसे ही यह लोग सेल्फी लेने लगे थे, अचानक संजीव कोल नाम के व्यक्ति का पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। उसको बचाने के लिए उसके बेटे ने भी नहर में छलांग लगा दी, पर वहां पर राहगीरों ने भी छलांग लगा। बेटे को तो बचा लिया, पर संजीव कोल नहर में डूब गए। उधर जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला तो वह भी मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते पुलिस की ओर से माधोपुर की कुछ दूरी पर जाकर संजीव कोल के शव को बरामद किया गया। बता दें कि संजीव कोल की सेल्फी लेते हुए एक फोटो भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस की ओर से शव को सिविल अस्पताल पठानकोट में पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के मियां बीवी के नाल उन्होंने 25-26 साल का बेटा ये माता वैष्णो देवी को दर्शन करके वापस आ रहे थे। जो माधोपुर आए है तो वॉशरूम लिए रुके है उत्थे पेट्रोल पंप से। उन्होंने पिछले जो नहर की दवाई स्टेशन होंगी है उत्थे इन्होंने लोकेशन देख के तो फोटोग्राफी का जिस तरह अजकल चलता जी वो कर लगे। ज़्यादा वो बारे नॉलेज नहीं हैगी। उत्थे प्रशासन वालों जो बोर्ड भी लगे उन्होंने भी ध्यान दिता गया। तो मतलब संजीव कोल ने उन्होंने 53 साल जो पैर फिसल गया, पैर फिसलन करके पानी की डिग पे उन्होंने बेटे ने उन्होंने बचाने वास्ते पिछले छाल भी मारी। परंतु ये है कि राहगीर चलते सज्जन गुजर परिवार वालों छाल मार के तो उन्होंने बचे बेटे को बचाया गया। जोड़ा संजीव कोल डेड बॉडी फिरोजपुर कलां लागू उतों मिली है। उस संबंध में जी बनती कार्रवाई जी 174 की जा रही है। मतलब प्रशासन तो हर वे इस गल तो हर एक सचेत करता जी। बोर्ड भी लगे तो काइंडली ध्यान दिता जाए, ठीक नहीं। बाकी समय समय से फिर भी आप इस बार जी जागरूक जोड़े है डेड बॉडी डेट उस